कान्ये एंड ड्रेक, टू टाइटन्स ऑफ मॉडर्न डे रैप, और ये दोनों रैपर एक दूसरे से सालों से बीफ कर रहे हैं। बट रिसेंटली कान्ये वेस्ट ने कुछ ऐसा किया है जिसने इस बीफ में आग में घी डालने का काम किया है। सो हुआ कुछ ऐसा है, तुम्हें रिसेंट केंड्रिक और जे कोल के बीफ के बारे में पता होगा, कैसे जे कोल ने बीफ से बैकआउट कर लिया, केंड्रिक लमार से माफी मांग ली, उसके बाद ड्रेक ने बीफ में जंप इन किया, ड्रेक के साइड से हमें दो डिस ट्रैक देखने को मिले, एंड रिसेंटली कान्ये वेस्ट हैज ऑल्सो जंप्ड इन दिस बीफ, और कान्ये वेस्ट ने भी ड्रेक और जे कोल के लिए एक डिस ट्रैक ड्रॉप किया है। एंड सरप्राइजिंगली दिस सॉन्ग बाय कान्ये वेस्ट इज अ रीमिक्स ऑफ Like that. So Kanye West और Drake की beef यहां तक पहुंची कैसे? From ghost writing rumors, affair with Kim Kardashian, there is a lot to discuss in this video. So Kanye West और Drake की मुलाकात पहली बार 2008 में हुई थी, जब Kanye West अपने एल्बम 808s and Heartbreak पे काम कर रहे थे। इसके बाद साल आता है 2009, Kanye West Drake के लिए एक म्यूजिक वीडियो डायरेक्ट करते हैं जिसका नाम था Best I Ever Had। So, उस टाइम पे ड्रेक का करियर बहुत ही नया था, ड्रेक कान्ये वेस्ट को अपना मेंटर और इंस्पिरेशन भी मानते थे, और ड्रेक के लिए कान्ये वेस्ट का उनके लिए ये वीडियो डायरेक्ट करना, दिस वाज अ रियली बिग डील। इसी साल हमें ड्रेक और कान्ये वेस्ट एक गाने में भी देखने को मिले जिसका नाम था फॉरएवर, और इस गाने में लिल वेन और एमिनेम का भी फीचर था। 2009 में हमें ड्रेक और कान्ये वेस्ट का साथ में एक और ट्रैक देखने को मिला जिसका नाम था डिजिटल गर्ल रीमिक्स। इसके बाद साल आता है 2010, हमें ड्रेक का एल्बम देखने को मिलता है जिसका नाम था थैंक मी लेटर, और इस एल्बम ने कान्ये वेस्ट ने ड्रेक के लिए दो गाना प्रोड्यूस किया था, और वो दोनों ट्रैक्स थे शो मी गुड टाइम एंड फाउंड योर लव। और फिर इसके बाद हमें ड्रेक और कान्ये वेस्ट एक और ट्रैक में साथ में देखने को मिले जिसका नाम था ऑल दी लाइट्स रीमिक्स, और यही वो ट्रैक था जहां से ड्रेक और कान्ये के बीच हमें थोड़ा डिस्प्यूट देखने को मिला। और इस गाने में कान्ये वेस्ट के कुछ ऐसे लिरिक्स थे जहां पे कान्ये वेस्ट ये बोल रहे थे कि जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस आते हैं तो वो ये देखते हैं कि उनको रिप्लेस कर दिया गया है, और मे बी यहां पे कान्ये वेस्ट ये बोलना चाह रहे थे कि ड्रेक कान्ये वेस्ट को उनके पहले पोजीशन, जो पोजीशन कान्ये वेस्ट ने करंटली होल्ड कर रखा है, वहां से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ड्रेक ने उन्हें ऑलरेडी हटा दिया है एंड नाउ ड्रेक इज एट नंबर वन। इसके बाद साल आता है 2011, डीजे खालिद के ट्रैक आई एम वन में ड्रेक कुछ ऐसा बोलते हैं, आई एम फीलिंग लाइक द थ्रोन इज फॉर द टेकिंग, वॉच मी टेक इट। सो यहां पे ड्रेक अगेन नंबर वन स्पॉट को रेफर कर रहे थे इन द रैप गेम। और इसके ठीक बाद हमें जेजी और कान्ये वेस्ट का कोलैब एल्बम देखने को मिला, और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इस एल्बम में इन दोनों ने ड्रेक को रिप्लाई किया था इस बार के लिए। बट भाई, एक सिंगल बार के लिए कोई एल्बम क्यों ही ड्रॉप करेगा, बट इस एल्बम में मल्टीपल रिप्लाईज थे इनडायरेक्टली ड्रेक के लिए। इसके बाद साल आता है 2013। सो अभी तक ड्रेक और कान्ये वेस्ट के बीच चीजें लाइट चल रही थी, दोनों एक दूसरे के ऊपर थोड़े बहुत जैब्स ले रहे थे, बट फिर कुछ टाइम के बाद दोनों की दोस्ती हो जा रही थी। इसी बीच ड्रेक कान्ये वेस्ट को ओवियो फेस्ट में बुलाते हैं जहां पे दोनों साथ में परफॉर्म करते हैं, बट यहां पे कान्ये ने ये एडमिट किया कि जो जेजी और कान्ये का कोलैब एल्बम आया था उसमें उन्होंने ड्रेक के ऊपर शॉट्स लिया था, या फिर कुछ बार्स ड्रेक के लिए डायरेक्टेड थे। बट यहाँ पे हमें एक सरप्राइजिंग चीज देखने को मिली, ड्रेक ने इस कॉन्सर्ट में, इस इवेंट में अपने और कान्ये वेस्ट के बीच एक कोलैबोरेशन एल्बम टीज कर दिया। इसके बाद साल आता है 2015, कान्ये वेस्ट हमें द ब्रेकफास्ट क्लब में देखने को मिलते हैं जहां पे कान्ये वेस्ट ये कंफर्म करते हैं कि कान्ये वेस्ट और ड्रेक कोलैबोरेशन एल्बम पे काम कर रहे हैं और ये एल्बम हमें देखने को मिलेगा। The Wolf song came from a conversation that me and Drake had where we was gonna do an album together. And the album is called Wolf. इसके बाद साल आता है 2016, अब चीजें थोड़ी सी स्पाइस अप होगी, ठीक है, रेडी हो जाओ। ड्रेक इस साल दो गाने ड्रॉप करते हैं, वन डांस एंड पॉप स्टाइल, और पॉप स्टाइल ट्रैक के लिए बहुत ज्यादा हाइप था क्योंकि ऐसे अजम्पशंस किए जा रहे थे कि पॉप स्टाइल में हमें कान्ये और जेजी का फीचर देखने को मिल सकता है, बट इस ट्रैक में जेजी का वर्स कुछ ज्यादा ही छोटा था जिसकी वजह से ड्रेक ने जेजी और कान्ये वेस्ट दोनों का वर्स इस ट्रैक से निकाल दिया। इसके बाद साल आता है 2017, कान्ये वेस्ट अपना एक टूर कर रहे थे और इस टूर के टाइम पे कान्ये वेस्ट ने स्टेज में ड्रेक को रैंट किया, और कान्ये वेस्ट का इस रैंट में ये बोलना था कि ड्रेक रेडियो में बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। इवन इसका रिप्लाई भी हमें ड्रेक के साइड से देखने को मिला, ड्रेक का ये बोलना था कि कान्ये वेस्ट की भाई प्रॉब्लम क्या है मेरे से, लाइक वन डे ही इज डिसिंग मी, दूसरे दिन वो मेरे साथ एल्बम बनाने की बात कर रहे हैं, मतलब चल क्या रहा है। इसके कुछ टाइम के बाद अगेन इन दोनों की रिलेशन फिर से ठीक हो जाती है और
हमें इन दोनों का कोलैबोरेशन ड्रेक के एल्बम के ट्रैक ग्लो में देखने को मिलता है। इसके बाद साल आता है 2018 और इस साल चीजें इन दोनों के बीच थोड़ी ज्यादा सीरियस हो गई थी। सो 2018 में ड्रेक कान्ये वेस्ट के प्लेस में जाते हैं फॉर गेटिंग हेल्प फॉर हिज अपकमिंग एल्बम स्कॉर्पियो। और जब ड्रेक कान्ये वेस्ट से वहां पे जाके मिलते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि कान्ये वेस्ट तो अपने एल्बम में काम कर रहे हैं जिसके बारे में ड्रेक के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। और ड्रेक जब तक वहां पे कान्ये वेस्ट के साथ में थे, ड्रेक का ये बोलना है कि उन्होंने कान्ये वेस्ट को उनके एल्बम बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प किया। इवन राइटिंग में भी ड्रेक ने कान्ये वेस्ट को हेल्प किया। ड्रेक राइटिंग में हेल्प कर रहे हैं, हाँ किया, मतलब ड्रेक का ये बोलना है। सो ड्रेक गए तो थे कान्ये वेस्ट से हेल्प लेने, बट हुआ उल्टा, ड्रेक ने ही कान्ये वेस्ट का हेल्प कर दिया। पर इसके रिटर्न में ड्रेक को कान्ये वेस्ट के साइड से एक गिफ्ट मिला और वो गिफ्ट था एक फ्री बीट जो कान्ये वेस्ट ने ड्रेक को दिया था। एंड ड्रेक वाज फाइन विथ इट। लाइक ड्रेक का ये बोलना था कि भाई मैंने हेल्प किया, मुझे बदले में एक बीट मिल गया, सो इट्स टोटली फाइन। और ड्रेक ने उस बीट के ऊपर गाना लिखना भी स्टार्ट कर दिया था और वो गाना ड्रेक के अपकमिंग एल्बम स्कॉर्पियन में होने वाला था। पर इसके बाद सरप्राइजिंगली एक दिन कान्ये वेस्ट के साइड से ड्रेक को एक टेक्स्ट आता है और कान्ये वेस्ट सडनली एक गाना ड्रॉप कर देते हैं और ये गाना उसी बीट के ऊपर था जो बीट कान्ये वेस्ट ने ड्रेक को गिव अवे किया था। वो बीट कान्ये वेस्ट ने खुद यूज कर लिया। इस गाने का नाम था लिफ्ट योरसेल्फ और इस इंसिडेंट ने ड्रेक को पिस्ड अप कर दिया था और होना भी चाहिए, लाइक कान्ये को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद ड्रेक के साइड से हमें अनाउंसमेंट देखने को मिली कि ड्रेक का एल्बम स्कॉर्पियन जुलाई में ड्रॉप होगा और इसके चार दिन के बाद ही सरप्राइजिंगली कान्ये वेस्ट ने गुड म्यूजिक समर अनाउंस कर दिया। 5 एल्बम डिफरेंट आर्टिस्ट के जो कान्ये वेस्ट ने खुद प्रोड्यूस किया था। और बेसिकली कान्ये वेस्ट का ये एल्बम रिलीज कर क्या रहा था कि ड्रेक के एल्बम रिलीज को पुश कर रहा था, जो ड्रेक को भी साफ नजर आ रहा था कान्ये वेस्ट क्या कर रहे हैं यहाँ पे। सो इन 5 एल्बम में से एक एल्बम पुशा टी का भी था जिसका नाम था डिटोना और इस एल्बम का लास्ट ट्रैक जिसका नाम था इंफ्रारेड, यहाँ पे पुशा टी ड्रेक को डिस करते हैं और ड्रेक के ऊपर घोस राइटिंग के एलिगेशन लगाए जाते हैं जो की नया नहीं था, ड्रेक के ऊपर मल्टीपल टाइम्स लग चुका है। और इसके रिप्लाई में ड्रेक के साइड से हमें एक ट्रैक देखने को मिला जिसका नाम था डपी फ्रीस्टाइल। इसके बाद हमें ड्रेक के साइड से एक इनवॉइस भी देखने को मिला जिसके थ्रू ड्रेक बेसिकली ये बोलना चाह रहे थे कि ये जो मेरा रिप्लाई है वो तुम्हें हेल्प करेगा तुम्हारे एल्बम को ज्यादा सेल करने में। एंड इवन ड्रेक का ये भी बोलना था कि मैंने भी कान्ये वेस्ट के लिए उनके एल्बम में हेल्प किया है, उनके एल्बम को लिखने में हेल्प किया है, बट किसी का एल्बम लिखना और घोस राइटिंग के एलिगेशन लगाना बहुत ही डिफरेंट चीजें हैं। अगर तुम एल्बम में हेल्प करते हो राइटिंग में तो तुम्हें उसकी क्रेडिट मिल जाती है, बट घोस राइटर यूज करने पे कोई भी आर्टिस्ट क्रेडिट नहीं देता है। ड्रेक के ऊपर घोस राइटर यूज करने के एलिगेशन लगाए गए थे जो दोनों डिफरेंट चीजें हैं। और ड्रेक के पुशा टी के रिप्लाई के बाद हमें पुशा टी के साइड से एक डिस्ट्रैक देखने को मिला जिसका नाम था स्टोरी ऑफ Added on, and this is one of the craziest diss track we have seen in hip hop. अगर तुम लोगों ने नहीं चेक किया, suggest करूंगा जाके एक बार चेक करना। और इस diss track में Pusha T ये claim करते हैं कि Drake का एक बेटा है जो Drake इस दुनिया से छुपा रहे। और इसके बाद Drake ये claim करते हैं कि ये बात कि Drake के पास एक बेटा है, उन्होंने सिर्फ Kanye के साथ share करी थी और Kanye ने ये बात Pusha T को बता दी, ठीक है? जिसकी वजह से इनकी बीफ और भी बढ़ती जा रही थी। बट इसके बाद कान्ये वेस्ट ने अपने साइड से ये क्लेरिफाई किया, मल्टीपल इंस्टाग्राम वीडियोस डाले कि उन्होंने ये चीजें पुशा टी तक पास नहीं की है और उनका इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। Thing is with Drake, if I wasn't in a medicated state, I might have thought and had the wherewithal to say, "Hey Pusha, don't diss Drake on my beat." इसके साथ-साथ कान्ये ड्रेक के गाने इन माय फीलिंग्स से भी बहुत ज्यादा अपसेट थे क्योंकि उसकी लिरिक्स बोल रही थी की डू यू लव मी और कान्ये वेस्ट को ऐसा लगा की रेफर कर रहे हैं ड्रेक किम कार्डशियन को। इसके बाद हमें ड्रेक का कोलैबोरेशन ट्रैविस स्कॉट के साथ देखने को मिलता है इन अ ट्रैक सीको मोड जहां पे अगेन ड्रेक कान्ये वेस्ट को डिस करते हैं। सो फुल फ्लेज्ड बीफ ड्रेक और पुशा टी के बीच में चल रही थी बट इसके बाद ड्रेक का जो टारगेट है वो पुशा टी से हट जाता है और कान्ये वेस्ट में शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद ड्रेक हमें फ्रेंच मोंटाना के एक ट्रैक में देखने को मिलते हैं जहां पे अगेन वो कान्ये को डिस करते हैं रेफरिंग टू इजीज। और इसके बाद हमें कान्ये वेस्ट के साइड से मल्टीपल ट्वीट्स भी देखने को मिलता है ड्रेक के लिए। सो इसके बाद साल आता है 2021। 2021 में ड्रेक के साइड से हमें एक एल्बम देखने को मिलने वाला था एंड इवन कान्ये वेस्ट भी एक एल्बम ड्रॉप करने वाले थे जिसका नाम था डोंडा। और इसी साल जुलाई के महीने में कान्ये एक बहुत ही बड़ा लिसनिंग पार्टी करते हैं और ये सपोज किया जा रहा था कि इस लिसनिंग पार्टी के बाद ये एल्बम ड्रॉप होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लिसनिंग पार्टी खत्म हो जाता है उसी स्टेडियम में
और कानिए वेस्ट जो है उस एल्बम पे जो ट्रैक्स बचे हुए थे उन पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर इसके दो हफ्ते के बाद एल्बम फिनिश हो जाता है, कानिए वेस्ट फिर से लिसनिंग पार्टी करते हैं और इस बार उम्मीद थी एल्बम ड्रॉप होगा, बट एल्बम फिर से ड्रॉप नहीं होता है। और इसकी वजह से फैंस ये अज्यूम करने लगे कि कानिए वेस्ट ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ड्रेक के रिलीज शेड्यूल को पुश कर पाए। और इसका रिप्लाई हमें ड्रेक के साइड से देखने को मिला जब उन्होंने ट्रिपी रेड के एक गाने में फीचर किया। और फिर इसके बाद कानिए बिंग कानिए ने बहुत ही रिस्पॉन्सिबली रिप्लाई किया ड्रेक को, ड्रेक का उन्होंने एड्रेस लीक कर दिया। इसके बाद हमें ड्रेक का एल्बम सर्टिफाइड लवर बॉय देखने को मिला जहां पे अगेन ड्रेक ने कानिए वेस्ट को डिस किया। इसके बाद ड्रेक एक रेडियो शो में जाते हैं जहां पे वो जाके कानिए वेस्ट का एक गाना लीक कर देते हैं जो हमें डोंडा में नहीं देखने को मिला था। इस गाने का नाम था लाइफ ऑफ द पार्टी जिसमें आंड्रे 3000 का भी फीचर था। एंड इवन ड्रेक ने इसके बाद इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया जहां पे वो कैप्शन में लिखते हैं वेस्ट रिमूवल, मतलब उनका ये बोलना था कि वो ट्रैश बाहर फेंक रहे। और ड्रेक ने इस गाने को इसलिए लीक किया था क्योंकि अगेन कानिए वेस्ट ने इस गाने में ड्रेक को डिस किया था। इसके बाद सडनली आउट ऑफ नोवेयर कानिए वेस्ट के साइड से हमें एक वीडियो देखने को मिलता है जहां पे वो ड्रेक से माफी मांग रहे और फिर वो ड्रेक के साथ एक कॉन्सर्ट करना चाहते हैं, कोलैबोरेशन कॉन्सर्ट। Ongoing back and forth between myself and Drake. I'm asking Drake on December 7th to join me on stage as a special guest to share the two biggest albums of the year, with the ultimate purpose being to free Larry Hoover. और इसके बाद 2021 में ये कॉन्सर्ट होता भी है and this was a huge hit. बहुत बड़ा कॉन्सर्ट था ये। कानिए इस कॉन्सर्ट में अपने सारे हिट ट्रैक प्ले करते हैं, ड्रेक इस कॉन्सर्ट में अपने सारे हिट ट्रैक प्ले करते हैं, इट वाज ऑल गुड। और इस कॉन्सर्ट के बाद ऐसा लग रहा था इनकी बीफ खत्म हो गई है, दे आर ऑल कूल। बट इसके बाद फिर सडनली हमें ड्रेक के साइड से रिप्लाई देखने को मिलता है कि ड्रेक ने वो कॉन्सर्ट सिर्फ जे प्रिंस की वजह से किया था। अभी जो मैंने वीडियो प्ले किया था उसमें ड्रेक के साथ जे प्रिंस भी थे और जे प्रिंस ही ड्रेक और कानिए वेस्ट की दोस्ती कराने के पीछे जिम्मेदार थे। तो ड्रेक ये बोलते हैं कि अगर जे प्रिंस नहीं होते तो मैं ये करता भी नहीं। और रिसेंटली अभी कानिए का एक इंटरव्यू देखने को मिला जहां पे कानिए ड्रेक को ग्रेटेस्ट रैपर ऑफ ऑल टाइम बताते हैं, ठीक है? ड्रेक इज द ग्रेटेस्ट रैपर एवर। और फिर ऐसा लग रहा था इन दोनों के बीच प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। रिसेंटली हमें ड्रेक के मल्टीपल डिस ट्रैक देखने को मिले जहां पे अगेन उन्होंने किम कार्डशियन के साथ रिलेशनशिप के बारे में बात किया। और इसके रिप्लाई में हमें कानिए वेस्ट के साइड से एक डिस ट्रैक देखने को मिला जहां पे उन्होंने ड्रेक को रिसेंटली डिस किया है। सो अब देखने वाली बात है कि ये बीफ किस डायरेक्शन में जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बीफ है, इन दोनों के बीच कभी दोस्ती होती है कभी लड़ाई होती है और वही हमें पिछले 10-15 साल से देखने को मिली है। क्या ड्रेक के साइड से रिप्लाई आएगा? अब कानिए वेस्ट भी इस बीफ में कूद गए हैं तो अब जो नेक्स्ट रिप्लाई आएगा दिस विल बी अ फुल फ्लेज्ड डिस ट्रैक, मे बी अ फुल फ्लेज्ड डिस ट्रैक फ्रॉम ड्रेक। और अगर ये रिलीज होता है तो ये देखने वाली बात होगी कि ये बैटल कैसा होने वाला है। तुम लोग किसके साइड में हो, ड्रेक के साइड में या फिर कानिए वेस्ट के साइड में, कमेंट करके बताओ। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ऑल द लव ऑल द सपोर्ट। ऐसे इंटरनेशनल कॉन्टेंट और भी आते रहेंगे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।